अपोजिशन की हुकूमत को बजट पास करने की खुली छुट्टी। अपोजिशन अराकीन ऐवान में ही ना आए। हुकूमत ने बगैर किसी शोर शराबे के फाइनेंस बिल 2019 मंजूर करवा लिया। एक घंटे में 43 मुतालबाते जर मंजूर हुए। सूबाई वजीर कानून बशारत राजा कहते हैं अपोजिशन के पास बजट के खिलाफ कहने को कुछ नहीं था। इजलास कल से पहले 3 बजे तक मुलतवी। आम इंतखाबात से कबल जारी होने वाले अरबों रुपए के फंड का मामला। वजीर आला का लाहौर के हलकों के लिए अरबों रुपए के फंड के इजरा पर तहकीकात का हुक्म। कहते हैं साबिक दौर में और उनके इस्तेमाल की गैर जानबदाराना इंक्वायरी होगी। उधर हुकूमत ने 11 माह में क्या कारकर्दगी दिखाई। सरदार उस्मान बुजदार ने सूबाई इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। गैर तसली बख्श कारकर्दगी पर महकमे के अफसरान को तब्दील किए जाने का इम्कान। रेडीमेड गारमेंट सेक्टर नए बजट में टैक्सेस के बोझ तले दब गया। कीमतें 1000 रुपए तक बढ़ गईं। सेक्टर में गैर यकीनी के सबब ताजर बरादरी इस्तेराब का शिकार। डॉलर की बर्क रफ्तार वनडे इनिंग से रुपया हल्का। एक ही रोज में कीमत 5.50 रुपए बढ़ गई। इंटरबैंक में विदेशी नोट 162.50 रुपए पर पहुंच गया। गैर यकीनी के सबब ओपन मार्केट में सन्नाटे, डॉलर गायब। सराफा बाजारों में सोने की कीमत के नए रिकॉर्ड। सोना फी तोला 600 रुपए मजीद महंगा। खालिस 24 के रात फी तोला सोना 82,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। इचरा फिरोजपुर रोड पर मारूफ बेकरी में गैस लीकेज धमाका। एक शख्स जान बहक, 12 अफराद जख्मी। जख्मियों को जिना और सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फिरोजपुर रोड बेकरी धमाके के 4 जख्मियों की हालत तश्वीशनाक। सूबाई वजीर सनत जख्मियों की इजाजत के लिए सर्विसेज अस्पताल पहुंच गए। मियां इस्लाम इकबाल ने इंतजामिया को खुसूसी हिदायत भी जारी की। चुंगी अमर सद्दू के करीब दुकान में आतिशबाजी। रेस्क्यू टीमें ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकस्तर। पंजाब यूनिवर्सिटी में तलबा आमने सामने। हॉस्टल नंबर 18 में तलबा के दरमियान तसादुम। तलबा तंजीम के कारकुनान का साथ हॉस्टल पर हमला। तसादुम 5 तलबा जख्मी हो गए। जिना अस्पताल में हेपेटाइटिस क्लिनिक के स्टोर से इमराज़े जिगर की करोड़ों रुपए की ज़ायदुल मियाद दवाएं बरामद। एक्सपायरी अद्वियात महकमा एंटी करप्शन टीम के छापे के दौरान बरामद की गयी। छापा अद्वियात का जाली रिकॉर्ड मुरतब करने की खुफिया इतलाआत मौसूल होने पर मारा गया। टीम ने अद्वियात और रिकॉर्ड कब्जे में लेकर मुतल्लिका जिम्मेदारों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। इंसानी जानों से खेलने का मकरूह धंधा बेनकाब। बंद रोड पर अस्पतालों के मुजर मेडिकल फुजले का प्लास्टिक दाना बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। मुजर प्लास्टिक दाने के 50 किलो के 25,000 बोरे बरामद। फैक्ट्री के 3 यूनिट सील, FIR दर्ज। फैक्ट्री में 15 साल से कम उम्र बच्चों के काम करने का भी इंकशाफ। कमिश्नर और DC लाहौर भी मौके पर पहुँच गए। डॉक्टर मुश्तबा पराचा की ऐसा मकरूह काम करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ करने की हिदायत। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मुलाकातें मजीद मुख्तसर। पहले रहनुमा बैन हुए, फिर कारकुनान पर पाबंदी लगी। अब सिर्फ 5 खूनी रिश्तेदार ही मिल सकेंगे। एहतसाब अदालत में आमदन से जायद असासा केस की समाअत। हमजा शहबाज का मजीद 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लीगी रहनुमा रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में 5 जुलाई तक नैब के हवाले। शहबाज शरीफ की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त जमा। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली की अदालत आमद पर लीगी कारकुनान का इजहार यकजहती। हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी।
रमजान शुगर मिल्स का फुजला ठिकाने ना लगाने की शिकायत। नैब तफ्तीश में हमजा शहबाज ने मलबा शुगर मिल्स के चार मुलाजमीन पर डाल दिया। नैब के तलब करने पर सिर्फ एक मुलाजिम ही पेश हुआ। हमजा शहबाज को कौमी खजाने से 214 मिलियन से जाती फैक्ट्री के लिए नाला बनवाने का इल्जाम है। महकमा बल्दियात का वाटर सप्लाई और शाही कले का खूबसूरत बनाने का फैसला। मंसूबे के लिए दो अलग अलग स्कीमें बजट में मंजूर। दोनों मंसूबों पर कुल 250 मिलियन डॉलर की लागत आएगी। नए माली साल के लिए एलडीए बजट की तैयारी शुरू। तरक्याती मंसूबों के लिए 3 अरब रखने की तजवीज। कमर्शलाइजेशन रेवेन्यू का हदफ 50 करोड़ से 7 अरब करने की भी तजवीज। मशीनरी खरीदने के लिए मुख्तस फंड 20 से 10 करोड़ करने की तजवीज दी गई। पेफ और पीमा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के करोड़ों के नादहिंदा निकले। इदारे सेशन 2019 और 2020 की कुतुब की ताहाल अदायगी ना कर सके। नादहिंदगान में लिटरेसी और चाइल्ड बॉन्डेड लेबर डिपार्टमेंट भी शामिल है। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट की तैयारियां ताहाल नामुकम्मल। 25 अगस्त की मुजवजा तारीख के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी ना हो सका। पर्चे में सवालात की तादाद और नेगेटिव मार्किंग से मुतालिक फैसला ना होने पर गैर यकीनी की सूरत हाल दरपेश। लाहौर एयरपोर्ट से 5 जुलाई से हज ऑपरेशन का आगाज। ऑपरेशन के लिए टर्मिनल बिल्डिंग का इंतखाब फाइनल। इमिग्रेशन के लिए अलग काउंटर बनाया जाएगा। CAA हुकाम की जेर सदारत इजलास। इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। ट्रेन हादसे के 7 रोज बाद भी ट्रेन ऑपरेशन बदनज़मी का शिकार। कराची और कोयटा से आने वाली 10 ट्रेनों की आमद पर घंटों ताखीर। हजारों मुसाफिर अजियत का शिकार हो गए। एयरपोर्ट पर भी फजाई ट्रैफिक मुतासिर। फनी खराबियों और तैयारों की कमी के सबब 15 परवाजें मंसूख। अवाम दुश्मन बजट के खिलाफ सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने एप्का का एहतजाज। तनख्वाहों में मामूली इजाफा मुस्तरद। चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया गया। मुजाहिरीन के अशियाए जरूरिया की कीमतों में होशुरबा इजाफे पर हुकूमत के खिलाफ नारे। शालामार रोड पर तजावुजात के खिलाफ रेलवे इन एक्शन। दुकानें और घर गिराने पर मुतासरीन सरापा एहतजाज। मुतासरीन का रेलवे अफसरान पर तौहीन अदालत का इल्जाम। सहाफियों को कवरेज से क्यों नहीं रोका। GM रेलवे मोहम्मद आफ्ताब अकबर की हिदायत पर SHO रेलवे तब्दील कर दिए गए। परवेज अख्तर को पुलिस लाइन रिपोर्ट करने का हुक्म। पंजाब फूड अथॉरिटी का केमिकल से तैयार किए फलों के खिलाफ क्रैकडाउन। शहर की 11 फ्रूट मंडियों पर छापे। 114 स्टॉल की चेकिंग। सैकड़ों किलोग्राम फ्रूट जब्त कर लिया गया। शहर में डकैती और चोरी की वारदातों में इजाफा। नवाब टाउन के इलाके में दिन दहाड़े शहरियों से वारदात। वाकई की CCTV फुटेज मंजरेआम पर आ गई। लाहौर एयरपोर्ट पर दुबई से असलहा स्मगल करने की कोशिश नाकाम। नामालूम मुसाफिर सब सिक्योरिटी से घबराकर 4600 गोलियां और 800 फौज छोड़कर खामोशी से चलता बना। नशियात के इस्तेमाल से हजारों जिंदगियां बर्बाद। मुस्तकबिल तबाह और हंसते बसते घर खंडर बनने लगे। रोकथाम के नारे महज नारे। दावे बेरंग और वादे वफा ना हो सके। इंसदादे नशियात के आलमी दिन पर ड्रग्स का सरेआम इस्तेमाल। शीशा कैफेज का फरोग और तालीमी इदारों के एतराफ। नशे की बाआसानी दस्तयाबी लम्हा फिक्रिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी को स्मोक एंड ड्रग फ्री कैंपस बनाने पर इत्तेफाक। ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब का मजीद 2 साल के लिए मुआहिदा। कैंपस की हदूद में स्मोकिंग पर पाबंदी आए। वजीर आला से लाहौर डिवीजन के अराकीन सूबाई असम्बली की मुलाकात। वजीर आला ने फलाह आमा के मनसूबों के हवाले से हिदायत दी। लाहौर डिवीजन समेत सूबे की 257 गैर फाल वाटर सप्लाई स्कीमों की बहाली का भी ऐलान किया गया।
साबिक सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान का बड़ा फैसला। पंजाब असेंबली की चार कायमा कमेटियों की रुकनियत से मुस्ताफी, असेंबली सेक्रेटेरिएट ने तमाम कमेटियों से इस्तीफा मंजूर कर लिया, नोटिफिकेशन जारी। अलहमरा आर्ट सेंटर में नए चैलेंज के लिए लाइव शो, सूबाई वजीर इत्तला का तकरीब से खिताब, सैयद समसाम बुखारी के स्टेज पर आते ही बिजली बंद हो गई। मीडिया पर्सन के क्राइम सीन में दाखिले पर पाबंदी, आईजी की जानिब से वजीर आला को भिजवाई गई नई मीडिया पॉलिसी मंजूर, थानों में क्रिमिनल्स के इंटरव्यू पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। डीएसएनजी के साथ थाने में बगैर इजाजत दाखिला ममनू करार, नई पॉलिसी में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चलने वाली 80% खबरों को गलत करार दे दिया गया। बैनुल मसालिक कायदीन का अहम इजलास, शुरका का जियो और जीने दो की पॉलिसी पर अमल दरामद करने का अजम, डॉक्टर रागिब नईमी समेत चारों मसालिक से ताल्लुक रखने वाले मजहबी कायदीन, बुकला और समाजी शख्सियात की शिरकत। नाइजीरियन हुकूमत के 15 रुकनी वफ का पंजाब सोशल सिक्योरिटी हेड ऑफिस का दौरा, सोशल सिक्योरिटी में दी जाने वाली सहूलियात के हवाले से ब्रीफिंग, वफ का पंजाब सोशल सिक्योरिटी के ऑटोमेशन प्रोग्राम में दिलचस्पी का इजहार। वफ ने सोशल सिक्योरिटी अस्पताल रहमतुल आलमीन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का भी दौरा किया। जापान के सफीर की विलेज रेस्टोरेंट आमद, दोस्तों के साथ खाना खाया, जापान के सफीर की पलाओ, बिरयानी, लस्सी, कबाब, चिकन टिक्का से तवाजो की गई। जापानी सफीर भी पाकिस्तानी खानों की तारीफ किए बगैर ना रह सके। गुलबर्ग के वाजवान रेस्टोरेंट के चर्चे, मुनफरिद जायकों पर मुश्तमिल पुरलुत्फ मेन्यू ने देसी खानों के मरकज को मरकज निगाह बना दिया। खुश खुराक लाहौरियों की जानिब से भरपूर पजीराई, पुरलुत्फ पकवानों के शौकीन वाजवान रेस्टोरेंट का प्रोग्राम बनाने। पंजाब टेबल टेनिस और स्पोर्ट्स बोर्ड के इश्तराक से 26वीं कौमी जूनियर टेबल टेनिस चैंपियनशिप, पहले रोज क्रोमैटिक्स और पंजाब की टीमों ने बढ़तरी हासिल की। चैंपियनशिप में मजमूई तौर पर 36 टीमों के 126 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। और मॉडल टाउन फुटबॉल एकेडमी में समर कैंप का आगाज, ब्राजीलियन कोचेस की जेरे निगरानी, नन्हे फुटबॉलर्स की तरबियत, मारूफ कोचेस फुटबॉलर्स को ब्राजीलियन स्टाइल में खेली जाने वाली फुटबॉल से रोशनास कराएंगे। कैंप 19 जुलाई तक जारी रहेगा।